हरियाली तीज या श्रावणी तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अक्षय सौभाग्य और सुख की लालसा हेतु श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ इस व्रत को करती है। वहीं अगर कुंवारी लड़कियां विधि विधान पूर्वक और पूर्व निष्ठा के साथ इस व्रत को करें तो उन्हें अपने मन के अनुरूप पति प्राप्त होता है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और साथ ही अपनी पत्नी बनाने का वरदान भी दिया। शिव के वरदान से देवी पार्वती के मन में हरियाली छा गई और वह आनंद से झूम उठी, इसलिए इस पर्व को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, सज धज के झूला झूलती हैं और मेहंदी लगाकर हरी चूड़ियां पहनती हैं। इस मौके पर मां पार्वती का पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार यह त्यौहार 3 दिन का होता है, लेकिन आजकल इसे एक ही दिन में मनाया जाता है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में सुहागिन महिलाओं को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस साल तीज 3 अगस्त 2019 को पड़ रही है। चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। सबसे पहले काली मिट्टी से भगवान शिव, गणेश जी और मां पार्वती की मूर्ति बना लीजिए। इस पूजा में शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन किया जाता है। थाली में सुहाग की सामग्री को एकत्रित कर व सजा कर माता पार्वती को चढ़ाया जाता है, जिसके बाद भगवान शिव को और गणेश जी को वस्त्र चढ़ाकर तीज व्रत की कथा सुनी जाती है। तो चलिए अब सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को प्रतिरूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। पार्वती जी ने काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर काटा और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही व्यतीत किए। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से माँ पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर पार्वती जी के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वह बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर अपनी इच्छा अनुसार पति को प्राप्त किया और अखंड सौभाग्य का वरदान भी पाया। कथा समाप्त होने के बाद आरती करें और प्रसाद वितरण करें। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।